कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे, और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। इन इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं और गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। कि मैं दो हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा है, और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में दो तीन बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनके इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और किस पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पर आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ है। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में, 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में, हमारे 600 लोग मरे उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और ये आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेज गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते, मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन 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 कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में दो जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो,
लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20-20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं और गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी का। वो जो कहते हैं कि जी लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, यही आता है ना, भरतपुर माने लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। और आप जितना भी लोकगीत हैं, कहानी हैं, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना है।